खासियत मानी जाती थी कि वो गज़लों का सिलेक्शन बहुत ही हाई लेवल का करते थे। बहुत ही उम्दा अगर शेर हो तो ही खान साहब वो गाएंगे। देखिए ये शेर कितना बढ़िया है। जमाने भर के गम या एक तेरा गम, जमाने भर के 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 गम या एक तेरा गम। ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। तेरी महफिल लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। वाह,
और एक खासियत थी कि वो खुद तो बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर थे, मतलब पहले उन्होंने शुरुआत क्लासिकल ट्रेडिशनल घरानेदार क्लासिकल सीखने के बाद गजल गाने की शुरुआत की, तो उनके हर कंपोजिशन किसी राग पे आधारित होती थी, जैसे ये खमाज राग पे आधारित गजल है। गामा पानी दा पदा मागा सागा अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन। अब मेहंदी हसन खान साहब नहीं होंगे इस गजलों की महफिल में। तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।